अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको याद होगा कि हम लोग निरालकगान गए थे अपनी साइकिलों पे। ये मेरे ईरान है, इसके ऊपर मैं गया था निरालकगान। हम लोग तीन बंदे गए थे निरालकगान, मैं, भाई अजमत और हमजा। आप सबने अगर व्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करें जोहे पिंटू साइकिल टूर, तो इंशाल्लाह सारे लोग आ जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखना वो सीरीज भी। तो हम लोग साइकिल टूर पे निरालकगान गए थे, तो उसका ना आज इंटरव्यू होना है, उर्दू पॉइंट वाले आ रहे हैं तो वो हमारा इंटरव्यू करेंगे साइकिल टूर के मुताबिक ना। तो रानो मेरी इस टाइम पंचर है, इसका भी शायद वो सीन वगैरह लेंगे, इसका मैंने पंचर लगवाना है। ये देखे हवा निकली हुई है, इंटरव्यू में मेरे रानो भी तो आनी चाहिए ना। रानो आएगी तो फिर मजा आएगा इंटरव्यू में। फिलहाल आज जुम्मे, पहले जुम्मा पढ़ने चलते हैं, उधर से आके फिर अपनी रानो को पंचर लगवा के लाते हैं। फिलहाल रानो इधर ही खड़ी है, मैं जा रहा हूँ जुम्मा पढ़ने। जुम्मा पढ़ के आ गया हूँ, तो अभी ना अपनी साइकिल को लेते हैं चलते हैं पंचर लगवाने। और थोड़ा सा साफ सूफ भी करते हैं क्योंकि वीडियो पढ़नी है हमारी रानो की, थोड़ी बहुत साफ होनी चाहिए ना। साइकिल टूर में हम लोग तीन लोग गए थे, तो भाई अजमत है गुजरा वाला, तो हमजा इधर ही है। अभी हमजा भी अपनी साइकिल लेने गया, उसकी साइकिल भी पंचर ही खड़ी है, तो उसको भी साथ पंचर लगवा के लाते हैं और साथ ही मेरी रानो को भी। पीछे वाला टायर तो ठीक है, आगे वाला टायर की हवा निकली हुई है। ये रही हमारी रानो, रानो को बाहर निकाली, देखिए गंदी कितनी ज्यादा हुई है। पहले मैं इसके ऊपर को कपड़ा वगैरह मार लेता हूँ। पंचर लगवाने जाने लगे हैं, साइकिल को कपड़ा शपड़ा मार के थोड़ा बहुत साफ कर लिया। ले जी हमजा भी आ गया अपनी साइकिल लेके, तो अभी चलते हैं पंचर लगवाने। हाँ टायर पंचर है, पंचर लगवाने जा रहे हैं। आपकी साइकिल पंचर तो नहीं है? हवा ही कम है बस। साइकिल पंचर है तो जाते जाते ना इसके इसकी ट्यूब में टुक लग जाएगा, तो अभी हम लोग इसे मोटरसाइकिल पर रख के लेके जाने लगे हैं। हैं दोनों ने ना रखी जानी, साइकिल को लेके मोटरसाइकिल वाले शॉप पे आ गए हैं। इधर आके सबसे पहले हवा भरी है, अभी चेक करते हैं हवा निकलती है कि नहीं निकलती। अगर निकलेगी हवा तो फिर पंचर लगवाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही चलेगी। कल मैं हवा भर के तो थोड़े सारे रूट मारने आए थे, चेक करने आए थे, बाकी सब ठीक है ना। साइकिल काफ़ी देर के बाद चला रहा ना तो सांस फूल गया। ये हमजा भी आ रहा है पीछे पीछे। हम चलते हैं जी अपने घर। थोड़ा थोड़ा रूट मार के आए हैं, मजा आ गया, अपना टूर याद आ गया है, मजा चलाने का। सर थोड़ी देर ये जी ज़हेब का इंटरव्यू हो रहा है। पापड़ खा रहा है, इंटरव्यू देते देते इस दफा ठीक है। इस दफा ठीक हो गया। अभी इंटरव्यू हो रहा है, तो जब इंटरव्यू खत्म होता फिर आपको बताते हैं क्या बने। अभी फिलहाल कैमरा मैन हमें तंग कर रहा है, हम कैमरा मैन को तंग कर रहे हैं। जाओ जाओ यार, ठीक है आ जाओ। ओ उधर से होके आए हैं, अभी के जा रहे हैं कैमरा लेके, पीछे फॉर्म भी आई जा रही है, चेक करें। ओ जी ज़हेब आ गया फिर, यही सीन पांच दफा हो गया, गलत सीन है। पांचवी मरतबा एक ही सीन बना दिया तुमने। छेवीं मरतबा कामयाब हो गए हैं। ये बच्चे फिर आ गए हैं इस तरफ, जिधर कैमरा मैन उधर ही बच्चे आ जाते हैं चेक करें।
अब जो है ना कैमरा कच्चे रास्ते की तरफ फिक्स करने लगे हैं, बाकी देखते हैं। लो जी ये रास्ता ठीक रहेगा। दो शार्ट्स इधर लेने थे ना, वो सारे ले लिए भाई लोगों ने। अभी चलते हैं उधर खुली जगह पे, क्योंकि इधर बार बार ना कोई कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो उधर कोई आया जाएगा भी नहीं, तो हमें कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। तो जिधर जाके ना बाकी जो शार्ट वगैरह में लेने हैं तो वो करते हैं। बैजमत लोग भी आ गए हैं, तो भाई जेब बैजमत भाई हम लागे थे टूबर में, इसलिए ना इनका इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू के लिए ना वो रेडी है, अभी इंटरव्यू करने लगे हैं। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे तीन ऐसे नौजवानों से जो साइकिलों के ऊपर पूरा पाकिस्तान फिर रहे हैं। रिसेंटली ये चीज कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पागलपन नहीं है वैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक शौक है पाकिस्तान को देखने का, पाकिस्तान घूमने का। कह रहे हैं हम ये वैसे साइकिल से कर रही है, वैसे दिल वाली है का प्रॉब्लम हो गया उसके पीछे। तो वैसे एक बात बताएं, ये पेट्रोल से ज्यादा महंगा तो है। पेट्रोल जो है तकरीबन 24 करे ना, हम निगरान करें जब जाएंगे ना। अच्छे से रास्ते में लोग पांच बार खाना खाते थे साइकिल पे, दुनिया पड़ जाती है, गिल्ट पड़ जाते हैं। हम लोग वीडियो में बता चुके थे कि हम लोग निलालगंज जा रहे हैं, हम लोग मरी जाते हुए हमारी बस हो गई थी, लेकिन अभी बताया हुआ था, फिर सब लोग कह रहे थे कि आप नहीं जा सकते, तो ये था कि जाके दिखाएं। डेरा हो रहा ना, इसलिए ना अभी लाइटें लगाने लगे हैं, दो लाइटें लगाने लगे हैं। उधर जाके बैठ के बोर्ड आया से पहले चढ़ाई चले ना उधर जाके मर। इंटरव्यू पूरा हो गया भाई से लोगों का, सारे बंदे आपके हाथ में टच में होने चाहिए, क्योंकि मैं आप ही से रब्ता करता हूँ यार। मेरी घर वाले नहीं सुनते तो मेरी बात है, लेकिन अब देखे हमारा, क्योंकि हर रोज किसी दूसरे शहर जाना होता है, तो जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है कि हर बंदे को हम पहले फोन करके बताओ। मैं पहला दस रहा हूँ, सारे बंदे इकट्ठे कर लो, एक दिन पहला दस मेरी सुनते नहीं है, तो मैं सुबह डकिया बड़े औखे मुंडिया। चलो मेहरबानी आप सबका यार, और थैंक यू आपने भी अरेंज किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। नहीं तुम ना जो आना होंगे ना सू तक चार पांच दिन पहले से ताकि ना लिए यार, इंटरव्यू हो चुका है। इंटरव्यू के बाद ना भाई इसमें तो दौड़ साइकिल पे झूला लेने गए हैं, भाई मैंने हमजा की साइकिल पकड़ी और दौड़ ने मेरे वाली साइकिल यार। इंटरव्यू के बाद भाई लोग चले गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं घर। इसमें हम बाइक पे बैठ गए हैं और मैं अपनी साइकिल पे। इंटरव्यू लेवल का यकीन कर, आज तो हीरो लगना है। शुक्रिया भाई, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा हुआ है, थैंक यू। अब्दुल भाई उनको तो जल्दी थी, जो इंटरव्यू लेने आए थे वो तो चले गए हैं, लेकिन उनके लिए चाय वगैरह बनाई थी तो वो भी हम लोग खुद ही पी रहे हैं। चाय आ गई है, उसके अलावा बिस्किट और लेज अभी ये खाते पीते हैं, उसके बाद बिस्तरे में चलते हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है बाहर। चाय शाय पीने के बाद अभी जा रहे हैं भाई इसमें तो लोग अपने घर। ओके भाई इसमें, ओके लाफिज, खैरी खैरी से जाएगा, अभी तुम ही निकल टाइम ना लो। ये था जी हमारा आज का छोटा सा मजेदार सब लोग, अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, सदा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।